कांग्रेस की बैठक में छलकी विधायकों की पीड़ा। आईएएस आईपीएस तो दूर, जूनियर अधिकारी भी नहीं सुनते हमारी बात। सभी 14 विधायकों ने खुलकर रखी अपनी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष नेता रखेंगे पूरी बात। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की राजनीति में गुरुवार को नए अध्याय की शुरुआत हुई। ये कई मायनों में सकारात्मक है तो इसका नकारात्मक स्वरूप भी देखा जा सकता है। पिछले 1.5 साल से राज्य की सत्ता में झामुमो की सहयोगी कांग्रेस के 1.5 दर्जन विधायकों ने औपचारिक बैठक कर अपनी पीड़ा का इजहार किया। राज्य कैबिनेट में शामिल 4 कांग्रेसी विधायकों को छोड़ अन्य सभी 14 ने साफ तौर पर कहा कि राज्य के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। आईएएस आईपीएस अधिकारी तो दूर, जूनियर अधिकारी बीडीओ सीओ और थानेदार तक उनकी बात नहीं सुनते। इसका उनके राजनीतिक भविष्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। कांग्रेसी विधायकों ने अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए जो मंच चुना वो एक अनुशासित संगठन के दायरे में था और यही इस पूरे अध्याय का सकारात्मक पहलू है। वैसे विघ्न संतोषी इस बैठक को राज्य की गठबंधन सरकार पर दबाव बनाने और पार्टी के भीतर बगावत की संभावनाओं की शुरुआत बता रहे हैं, लेकिन बैठक के औचित्य और विधायकों की एकजुटता साफ कर देती है कि राज्य में गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर कोई आशंका नहीं है। विधायकों ने इस सरकार के कामकाज पर आम तौर पर संतोष जताया और कोरोना काल में किए गए काम की सराहना भी की। झारखंड कांग्रेस के लिए ये पहली बार हुआ है कि सभी विधायक अपनी पार्टी के मंच पर अपनी बात रखने के लिए सामने आए। निश्चित तौर पर इसका राज्य की राजनीति पर सकारात्मक असर पड़ेगा और सूरत बदलेगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पैदा हुई परिस्थिति का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। तारीख 24 जून, दिन गुरुवार। मौसम की आंख मिचौली के बीच रांची के कांके रोड में बने पर्यटक स्थल रॉक गार्डन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित थी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी थे। कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप विधायक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे थे, लेकिन जब उनके बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपना दर्द उड़ेल कर रख दिया। एक एक कर सभी विधायकों ने ये बात दोहराई कि राज्य में उनकी उपेक्षा की जा रही है और इससे जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है और इसका उनके राजनीतिक भविष्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनकी पीड़ा अब सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए विधायक दल के नेता इसे मुख्यमंत्री और गठबंधन के नेता तक पहुंचाएंगे। विधायकों की इस शिकायत के बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि वो इस बारे में जरूर बात करेंगे और समस्या का समाधान होगा। बाद में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व कर रहे झामुमो की ओर से भी कहा गया कि विधायकों की पीड़ा उचित है और अधिकारियों को उनकी बात सुननी चाहिए। दिसंबर 2019 में झारखंड की सत्ता में आने के बाद झारखंड कांग्रेस के विधायकों की विस्तृत रूप से ये पहली बैठक थी। इस बैठक की खास बात ये रही कि पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत की तमाम अटकलों पर एक झटके में विराम लग गया। बैठक का एक संदेश ये भी निकला कि फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई भी आशंका गलत है। बैठक में विधायकों ने जिस एकजुटता का परिचय दिया वो गुटों और खेमों में बटी कांग्रेस के लिए नई चीज रही। राज्य कैबिनेट में शामिल 4 मंत्री ही सामने बैठे, जबकि बाकी 14 विधायक जिनमें बंधु तिर्की और प्रदीप यादव भी शामिल थे एक साथ थे। सभी की एक पीड़ा, एक मांग और एक सुझाव, ये कांग्रेस के अनुशासित संगठन की तरफ लौटने का संकेत है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस को लेकर जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं, उन सभी पर इस बैठक ने विराम तो लगा दिया है, लेकिन विधायकों द्वारा उठाई गई बातों का निदान कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। विधायक दल के नेता ने अपने साथी विधायकों को इस बारे में सकारात्मक आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है
कि क्या वाकई स्थिति इतनी खराब है। कांग्रेस का कोई भी विधायक अब तक राज्य सरकार के किसी फैसले के खिलाफ नहीं गया है, तो ये माना जा सकता है कि ये विधायक स्थिति में सुधार चाह रहे हैं। रही बात नौकरशाही की, तो इस पर कई बार अंगुलियां उठाई जा चुकी हैं। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष तक ने विधानसभा समितियों को तरजीह नहीं देने की बात कहते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। इसलिए विधायकों की उपेक्षा नौकरशाही के लिए नई बात नहीं है। ये भी सच है कि विधायकों की बात को महत्व अवसर नहीं देते, और यदि देते तो फिर उनकी दलीय प्रतिबद्धता देखकर। इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की जरूरत है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अधिकारियों को विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसे एक स्पष्ट संदेश माना जा सकता है। झारखंड के कांग्रेस विधायक ने जो नई परिपाटी की शुरुआत की है, उसके नकारात्मक मतलब भी निकाले जाएंगे और इसे गठबंधन के भीतर असंतोष से जोड़ा जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। विधायकों ने अपनी उपेक्षा की पीड़ा के साथ साथ संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाकर यह संदेश दिया है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।